उसकी नीति और रणनीति बना दी है। उन्होंने अपना एक हिडन एजेंडा भी तय कर लिया है। और ये नीति रणनीति क्या है? ये इंडी अलायंस की नीति है, एक गमंडिया गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इंडी अलायंस गमंडिया गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है उसे तबाह कर दो। INDIA मेंटर केही भी जने नेता नहीं, से माने केवल भारतर संस्कृति एवं सनातन धर्म को नष्ट करने को चाहते। विरोधी INDIA मेंट को नहीं एभली किसी मंतव्य देखते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मध्यप्रदेश सागर जिलार बिना ग्राम से आयोजित एक कार्यक्रम में जोगदे लोक संबोधन करने समय विरोधी INDIA मेंट को टार्गेट कर नरेंद्र मोदी। से कहते राज्य में कांग्रेस विकास को अनुमति देना, विद्युत जल एवं रास्ता भली मौलिक सुविधा पर कांग्रेस बुलेंद खंड को उत्साहित करा। पूर्व राज्य में आईन श्रृंखला परिस्थिति दुर्बल थिला, कांग्रेस सरकार सांसद को लुटुले। से मध्यप्रदेश में सनातन धर्म उपरे चली बयानबाजी को नहीं मोदी कहते सनातन धर्म होशर एकता आधार हेले विरोधी देश को गुलाम बनैवाक चाहते। गांधीजी सनातन सपक्ष हेले विरोधी योजना यहाँ शेष करवा INDIA मेंट मध्यम सनातन धर्म को शेष करने को योजना करुछंती, कारण संस्कृति उपरे आक्रमण करवा विरोधी नीति। से समस्त नेता सतर्क रहा। मेरे परिवारजन, एक तरफ आज का भारत दुनिया को जोड़ने का सामर्थ्य दिखा रहा है, दुनिया के मंचों पर ये हमारा भारत विश्व मित्र के रूप में सामने आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे दल भी है जो देश को, समाज को विभाजित करने में जुटे हैं। इन्होंने मिलकर के एक इंडी अलायंस बनाया है। इस इंडी अलायंस को कुछ लोग गमंडिया गठबंधन भी कहते हैं। इनका नेता तय नहीं है, नेतृत्व पर भ्रम है, लेकिन इन्होंने पिछले दिनों जो मुंबई में उनकी मीटिंग हुई थी, मुझे लगता है उस मीटिंग में उन्होंने आगे एक गमंडिया गठबंधन कैसे काम करेगा उसकी नीति और रणनीति बना दी है। उन्होंने अपना एक हिडन एजेंडा भी तय कर लिया है। और ये नीति रणनीति क्या है? ये इंडी अलायंस की नीति है, एक गमंडिया गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इंडी अलायंस गमंडिया गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है उसे तबाह कर दो। जिस सनातन से प्रेरित होकर
देवी अहल्याबाई होलकर ने देश के कोने कोने में सामाजिक कार्य किए, नारी उत्थान का अभियान चलाया, देश की आस्था की रक्षा की। ये गमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। ये सनातन की ताकत थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को ये कहते हुए ललकार कर पाई कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जिस सनातन को गांधी जी ने जीवन पर्यंत माना, जिन भगवान श्री राम ने उनको जीवन भर प्रेरणा दी, उनके आखिरी शब्द बने हे राम, जिस सनातन ने उन्हें अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया, ये इंडी गठबंधन के लोग, ये गमंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। जिस सनातन से प्रेरित होकर स्वामी विवेकानंद ने समाज की विभिन्न बुराइयों के प्रति लोगों को जागरूक किया, इंडी गठबंधन के लोग उस सनातन को समाप्त करना चाहते हैं। जिस सनातन से प्रेरित होकर लोकमान्य तिलक ने मां भारती की स्वतंत्रता का बीड़ा उठाया, गणेश पूजा को स्वतंत्र आंदोलन से जोड़ा, सार्वजनिक गणेशोत्सव की परंपरा बढ़ाई, आज उसी सनातन को ये इंडी गठबंधन तहस नहस करना चाहता है। साथियों, ये सनातन की ताकत थी कि स्वतंत्रता आंदोलन में फांसी पाने वाले वीर कहते थे कि अगला जन्म मुझे फिर ये भारत मां की गोद में देना। जो सनातन संस्कृति संत रविदास का प्रतिबिंब है, जो सनातन संस्कृति माता शबरी की पहचान है, जो सनातन संस्कृति महर्षि वाल्मीकि का आधार है, जिस सनातन ने हजारों वर्षों से भारत को जोड़े रखा है, ये लोग मिलकर अब उस सनातन को खंड खंड करना चाहते हैं। आज इन लोगों ने खुल करके बोलना शुरू किया है, खुल करके हमला करना शुरू करके दिया है। कल ये लोग हम पर होने वाले हमले और बढ़ाने वाले हैं। देश के कोने कोने में हर सनातनी को, इस देश को प्यार करने वाले को, इस देश की मिट्टी को प्यार करने वाले को, इस देश के कोटि कोटि जनों को प्यार करने वालों को, हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है। सनातन को मिटाकर ये देश को फिर 1000 साल की गुलामी में धकेलना चाहते हैं, लेकिन हमें मिलकर ऐसी ताकतों को रोकना है। हमारी संगठन की शक्ति से, हमारी एकजुटता से उनके मनसूबों को नाकाम करना है। सेहिपरि बीजेपी रो वरिष्ठ नेता शिवशंकर प्रसाद समान कथा कही विरोधी मेंटो उपरे खूब बरसी थिले। से कहितिले मेंटरो भी
राजनीति एजेंडा है सनातन धर्म को विलुप्त करने। आपको सीधे लिए चलते हैं बीजेपी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां रविशंकर प्रसाद संबोधित कर रहे हैं। और अंग्रेजी में एक शब्द है, द कैट इज आउट ऑफ द बैग, जो हमारी सोच थी वो सामने आ गई कि इंडिया अलायंस का गठन ही सनातन धर्म के विरोध के लिए बना है और उसे खत्म करना है। मेरे पास उनका इंग्लिश टेक्स्ट भी है जो उन्होंने उसी सनातन धर्म विरोधी कार्यक्रम में कहा था, जिसमें स्टालिन जी मुख्यमंत्री के पुत्र ने सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से की थी और बाद में तो डी राजा ने कहा कि ये एड्स से भी अधिक संक्रामक है, इट इज वर्स देन एड्स एंड टीबी। आज हम बीजेपी की ओर से कुछ बड़े सवाल रखना चाहते हैं। जो वहां के शिक्षा मंत्री ने कहा है वो एक सच्चाई है और इनका हिडन एजेंडा है सनातन धर्म का विरोध करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना, और इस पूरी प्रक्रिया में ये लोग बहुत दिन से लगे हुए हैं। खड़गे जी ने भी तो सनातन का विरोध किया था ना, जो उनके सम्मानीय अध्यक्ष हैं, क्या उन्होंने अपने पुत्र के बारे में कोई टिप्पणी किया? ये लोग एवरी रिलीजन की बात करके लीपापोती करते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछता हूं और इस गठबंधन से पूछता हूं, क्या किसी और आस्था के देवों का आलोचना करने का इनका अधिकार है? इनकी हिम्मत है? कर पाएंगे क्या ये? हम सभी आस्थाओं का सम्मान करते हैं, सभी आस्थाओं के जो ईश्वर हैं जिनको मानते हैं, हम सबों का सम्मान करते हैं। और ये वोट बैंक के लिए दूसरे पर तो चुप हो जाते हैं और सनातन का खुलकर विरोध करते हैं। थोड़ा मैं रिकाउंट करता हूं और ये बात देश में आपके माध्यम से जाएगी तो बड़ी कृपा होगी। लालू जी के पार्टी के अध्यक्ष जगता बाबू बिहार में क्या कहते हैं, जो टीका लगाता है उन्होंने देश को गुलाम बनाया। मात्र 4-5 दिन पहले लालू जी गए थे मुंबई और सिद्धिविनायक मंदिर में अपने पुत्र तेजस्वी जी के साथ मत्था टेका, टीका भी लगाया। कल वो महान ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ धाम गए थे, वहां बड़ा सा टीका लगा के निकले। फिर भी ना लालू जी ने विरोध किया कि ये गलत है, न कांग्रेस पार्टी ने किया। रामचरितमानस का खुला विरोध उनके बड़े शिक्षित शिक्षा मंत्री ने किया। लालू जी ने विरोध किया क्या? सोनिया गांधी ने कुछ कहा क्या? अखिलेश यादव भी पार्टी इस गठबंधन का अलायंस है, उनके मौर्या साहब दिन रात सनातन और रामायण पर भद्दी भद्दी गालियां कहते हैं, कभी उन्होंने कहा इसे मना करो, ये ठीक नहीं है? दिग्विजय सिंह ने भी बहुत टॉन्ट कसा है, कभी उनको कहा गया? अब ये जरा मुझे बताइए, उद्धव ठाकरे तो कमाल हो गए साहब। मैं ये सारा संदेहास्पद परिस्थिति आपको बता रहा हूं जो इस विश्लेषण को कन्फर्म करती है कि सनातन विरोध तथाकथित घमंडिया अलायंस का संकल्प है। उद्धव ठाकरे ने क्या कह दिया? अगर प्रभु राम के मंदिर का उद्घाटन होगा तो गोधरा जैसा नरसंहार हो जाएगा। क्या मतलब है इसका? इतनी शर्मिंदगी भरी बात स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के पुत्र कर रहे हैं, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में देश में एक नई ऊंचाई और साहस का परिचय दिखाया, उनके पुत्र कहना है? यह बहुत शर्मनाक है, यह बहुत पीड़ादायक है। देखिए, सवाल सोच का है, सवाल सोच का है। आजकल कुछ लोग अपने वेद के ज्ञान की बात कर रहे हैं, क्या नाम लूं छोड़ दीजिए,
लेकिन भारत के वेद का एक ऋग्वेद है सबसे प्रमुख, उसकी एक सूक्त बहुत इंपॉर्टेंट है जो सनातन को स्पष्ट करती है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, ट्रुथ इज वन, वाइज मैन इंटरप्रेटेड डिफरेंटली। आपके सत्य का यह मार्ग है, आप उस पर चलो। मेरे सत्य का यह मार्ग है, मैं आप पर चलूंगा। तो मेरे मार्ग का सम्मान करो, मैं तुम्हारे मार्ग का सम्मान करूंगा, क्योंकि तुम्हारा सत्य और मेरा सत्य एक ही स्थान पर पहुंचता है जहां पर रहते हैं परम सत्य, इटर्नल, पेरिनियल, इंडिविजुअल। यही तो है सनातन। आपके जो भी विचार है करो, लेकिन बाकी सब पर खामोशी और सनातन का खुला शर्म, बेशर्मी भरा, निकृष्ट, अमर्यादित, क्या मैं क्या आलोचना, तो कहना भी आलोचना को शर्मिंदा करना होगा। यह बहुत पीड़ादायक है। इसलिए फिर पूछता हूं, सोनिया गांधी जी खामोश क्यों है आप? सोनिया गांधी जी, आप अपने कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी नेता आप ही हैं, पूरी अथॉरिटी आपके पास है, आपकी खामोशी को बेचैन करती है। और भाजपा की ओर से हमें कहने में जरा भी आपत्ति नहीं है, मौनम स्वीकृति लक्षणम, योर साइलेंस इज इंडिकेशन ऑफ अप्रूवल। सपटे मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मध्य कांग्रेस को टार्गेट करी कहिछंती, कमलनाथ राज्य पाई अभिशाप थिले एवं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य पाई एक वरदान हो आसिछंती। प्रधानमंत्री मोदी को जीवन देश पाई नुहे, से देश तथा जनता को पाई बंचंती। बोलिए भारत माता की, बिना से दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। हम सब के सौभाग्य से आज हमारे बीच पधारे हुए हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए मोदी जी का, वंदन कीजिए मोदी जी का, अभिनंदन कीजिए मोदी जी का। आदरणीय श्रीमान हरदीप पुरी जी हमारे केंद्रीय मंत्री, आदरणीय वीरेंद्र जी केंद्रीय मंत्री, आदरणीय प्रहलाद जी केंद्रीय मंत्री, आदरणीय बीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष, आदरणीय गोपाल जी, भूपेंद्र जी, गोविंद जी, अरविंद जी, हमारे सांसद जी राजबहादुर जी, हमारे यहाँ के विधायक महेश जी, भाई शैलेन जी, प्रदीप जी, हमारे उपस्थित सभी साथी, प्रिय बहनों भाइयों और भांजे भांजियों, आप सबको नमस्कार। आज प्रधानमंत्री जी आए हैं और G20 की ऐतिहासिक सफलता के बाद आए हैं, आज कहते हुए गर्व होता है। हम बचपन में कहते थे विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। अरे केवल भारत का नहीं, विश्व के कल्याण का काम अगर कोई कर रहे हैं तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और जब पूरे दुनिया में भारत की जय जय हो रही है, मोदी मंत्र गूंज रहा है, हम सबका, देशवासियों का और देश का सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया में बढ़ाया है, इसलिए तालियां बजा के मोदी जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा चंद्रयान हमारा चंद्रमा पर उतर रहा था, उतरते हुए देखा सबने? अरे बचपन में हम कहते थे रूस भेज रहा है, अमेरिका भेज रहा है, लेकिन वैज्ञानिकों को प्रणाम और मोदी जी का वंदन और अभिनंदन। आज चंद्रमा पर भारत का चंद्रयान पहुंच गया है, इसलिए हम स्वागत करते हैं प्रधानमंत्री जी आपका। अब सूरज की तरफ भी बढ़ रहे हैं, मंगलयान भी जा रहा है, लेकिन आज ये क्षेत्र अत्यंत प्रसन्न है, आनंदित है, उत्साहित है। बीना और आसपास वालों, केवल बीना नहीं, सागर नहीं, विदिशा हो, मुंगा आप अशोकनगर हो,
गुना हो, सागर हो या बुंदेलखंड की धरती, जिसको कांग्रेस ने हमेशा पिछड़ा रखा था, पिछड़ा, पिछड़ेपन का अभिशाप झेलने के लिए मजबूर थी। लेकिन आज ये जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसमें सीधे 50,000 करोड़ का निवेश आ रहा है, सीधे 50,000 करोड़ का। इस पूरे इलाके की तस्वीर बदल जाएगी और यहां की जनता की तकदीर बदल जाएगी। आज मित्रों कई उद्योगपति आए यहां एंसिलरी यूनिट, मतलब छोटी छोटी इकाइयां लगाने के लिए, और जब ये पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनेगा तब 40,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, और बनने के बाद जो अन्य यूनिट आएगी भविष्य में 2,15,000 नौजवानों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। रोजगार, इतनी बड़ी सौगात कि हमारा ये क्षेत्र बदल जाएगा, इसलिए हम प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करते हैं और उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं। लेकिन बीना वालों, आज केवल बीना को सौगात देने नहीं आए, आज मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह नर्मदापुरम में विद्युत और नवकरणीय ऊर्जा, उसका 3,300 करोड़ का निवेश, दो नए आईटी पार्क इंदौर में 5,000 करोड़ का निवेश, मेगा इंडस्ट्रियल पार्क रतलाम में 75,400 करोड़ का निवेश, 6 नवीन औद्योगिक क्षेत्र साजापुर, गुना, मऊगंज, आगरमालवा, नर्मदापुरम बक्सी 16,500 करोड़ का निवेश, तो लगभग 1,50,200 करोड़ रुपए का निवेश। पूरे प्रदेश में भूमि पूजन हो रहा है, भावी जनता उपस्थित है, और 2,76,600 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। दोनों को मिला लिया जाए तो नौजवान बहनों और भाइयों, 4,00,000 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इसे एक बार फिर तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और इतना ही नहीं, बुंदेलखंड वालों, कांग्रेस ने हमेशा बुंदेलखंड को सूखा रखा, लेकिन मुझे कहते हुए आनंद और प्रसन्नता है, कैन और बेतवा परियोजना हमारी मंजूर हो गई है, सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई है, बुंदेलखंड की 2,00,000 एकड़ जमीन में सिंचाई होगी, 2,00,000 एकड़ जमीन में पूरा बुंदेलखंड बदल जाएगा। अरे कांग्रेस ने कभी इतनी सिंचाई की व्यवस्था की थी क्या? ऐसा नहीं जोर से बोल के बताओ, की थी क्या? क्या किया कांग्रेस ने? और बीना वालों, बीना नदी कॉम्प्लेक्स 3,300 करोड़ रुपए की सिंचाई की योजना है। मुझे कहते हुए गर्व है कि कांग्रेस राजा नवाब अंग्रेजों ने केवल 7,50,000 हेक्टर में सिंचाई की थी, वो बढ़ के हो गई है 47,00,000 हेक्टर, और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 65,00,000 हेक्टर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था होगी। मैं आप सबकी ओर से प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि कैन बेतवा का भूमि पूजन करने भी आप बुंदेलखंड की धरती पर जरूर पधारें, और आप चाहते तो तालियां बजा के फिर आमंत्रित कीजिए प्रधानमंत्री जी को। पूरा प्रदेश बदल रहा है, कांग्रेस ने तबाह और बर्बाद कर दिया था। प्रधानमंत्री जी ने भेजे थे प्रधानमंत्री आवास, 2,00,000 कमलनाथ जी ने वापस कर दिए। प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन शुरू किया था 2019 में, कांग्रेस ने शुरू नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि शुरू की, लेकिन कांग्रेस ने सूची नहीं भेजी, वो अभिशाप थे मध्य प्रदेश के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी आज वरदान बन के आए हैं। और एक बात और, आज 14 सितंबर है, 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। पिछली बार भी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी आए थे कूनो पालपुर, तब चीता प्रोजेक्ट मंजूर करके आए थे, और आज इतनी बड़ी सौगात देने आए हैं। प्रधानमंत्री जी का जीवन उनके लिए नहीं है, अपने लिए तो सब जीते हैं, कीट पतंगे भी और पशु पक्षी भी, अपने लिए जिए तो क्या जिए, अरे जीते तो वो हैं जो देश के लिए जीते हैं, जनता के लिए जीते हैं। और प्रधानमंत्री जी देश और जनता के लिए जीते हैं, एक एक क्षण देश के लिए उनका समर्पित है। वो दीर्घायु हो, वो चिरायु हो, वो स्वस्थ और प्रसन्न रह के
देश का नेतृत्व और दुनिया का नेतृत्व करते रहें, यही भगवान से प्रार्थना है। और अब तो पानी की भी वर्षा ऐसी हुई है महाकाल महाराज की कृपा से कि किसान आनंदित है। एक बार हम सब मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बधाई देते हैं। ताली बजा के एक बार फिर स्वागत कीजिए। आपका स्वागत और अभिनंदन। आप देश की सेवा करते रहें, हम आपके पीछे चलते रहेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। सेपरि आगो को मध्य प्रदेश रे निर्वाचन हेबाकु थिबा बेले बीजेपी निजर शक्ति प्रदर्शन करिछि। प्रधानमंत्री मोदी एही सभा रे विभिन्न योजना पई 50,700 कोटी टंकार पैकेज घोषणा करिछन्ति। सेपटे अक्टोबर प्रथम सप्ताह रे INDIA मेंटो प्रथम थर पई भोपाल रे बीजेपी विपक्ष रे रणनीति प्रस्तुत करिवो। ब्यूरो रिपोर्ट, मोबाइल न्यूज 24x7।